बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के ग्रामीणों ने अपने दम पर जो कर दिखाया वो औरों के लिए एक मिसाल बन गया है। अपने हाथों से जो कुछ इन ग्रामीणों ने कर दिखाया वो एक मजबूत हौसले का जीता जागता प्रमाण है। कांडा तहसील के धर्मघर बास्ती गांव को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने के कारण मोटर मार्ग की दो छोटी पुलिया बह गई थी, जिसके बाद से सड़क के दोनों छोरों में 15 छोटे वाहन फंस गए थे और ग्रामीणों का संपर्क कांडा तहसील मुख्यालय से टूट गया। उसके बाद ग्रामीणों के बुलंद हौसले उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन लोक निर्माण विभाग को आईना दिखाते हुए करीब 6 घंटे में सड़क पर अस्थायी लकड़ी की पुलिया का निर्माण कर डाला। ग्रामीणों के सहयोग से इस जगह पर लकड़ी के तख्ते बिछाकर वाहनों को एकाएक कर बाहर निकाला गया। सड़क टूटने और पुलिया बहने से इस क्षेत्र के करीब 700 से अधिक लोग यातायात की सुविधा से वंचित है। बारिश का सिलसिला जारी है। बास्ती गांव को जोड़ने वाली सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। मेरे भी संज्ञान में है नहीं तो, लेकिन जो संबंधित इसके विभाग होंगे उनसे बात की जाएगी। अगर इसको आपदा के मानकों के अंतर्गत ये आती होगी, SDRF के मानकों के अंतर्गत, तो इसमें और इम्पोर्टेंट वर्क होगा, इसको शुरू करना आवश्यक होगा। तो इसको जो है आपदा के अंतर्गत लेके इसको रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाएगा। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग कपकोट के अधिशासी अभियंता को निर्देशित कर दिया है इस ग्रामीण मोटर मार्ग को जल्द दुरुस्त करवाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट।